प्रिय बच्चों नमो नमः। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम संस्कृतम से। कक्षा 5 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं विश्राम सिंह संस्कृत ज्ञान प्रभा चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो देख के अवश्य ही अपने परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाने में कामयाब होंगे, ऐसी कामना के साथ मैं आपको आपकी पुस्तकम का प्रथम पाठम पाठयिष्यामि। मम परिवारः, पाठस्य नाम किम्? मम परिवारः। परिवार में कौन कौन होता है तो यहाँ पर देखेंगे सब लोग, माता पिता होते हैं, बाबा, दादी, भ्राता, भगिनी, अनुजा, ज्येष्ठ, ये सब परिवार के लोग होते हैं, इनको देखेंगे एक करके हम लोग। तो लिखा है मम जन कहा, मम मीन्स मेरा अर्थात मेरे, मेरा भी और मेरे भी, तो यहाँ पर क्या सेंस लगाएंगे, मम मेरे, जन कहा पिता, मेरे पिता, मम माता मेरी माता, मम पितामह मेरे दादाजी, मम पितामही, पिता से कोई रिश्ता निकालते हैं तो पिता से पितामही अर्थात दादी, और पितामह कहते हैं तो पिता के पिताजी अर्थात दादाजी। आगे लिखा है मम अनुजा, अनुजा मीन्स होता है छोटा, यदि अनुजा तो छोटी बहन होती, यहाँ पर है मम मेरा अनुजा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई, मम अनुजा, अनुजा मीन्स बहन होती है, तो मम भगिनी मेरी बहन, कौन सी बहन तो छोटी बहन, मम गृहम मेरा घर, किसका घर, मेरा घर। इसके नीचे लिखा हुआ है अधितम संज्ञा पदानी, देखो पुल्लिंग शब्द है, प्रिय छात्रों आप देख रहे होंगे जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके अंत में विसर्ग लगे हुए हैं, जो स्त्रीलिंग शब्द सन्ति तेषाम अंते विसर्ग न सन्ति, जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके अंत में विसर्ग नहीं है बल्कि वे आकारांत हैं, जैसे अजा, बाला, माला, लता, और जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं उनके अंत में हम लोग माँ जोड़ देते हैं, जैसे अक्षरम, उपवनम, भवनम, चित्रम। एक बार इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान देखेंगे। मम जन कहा, मेरे पिताजी, मम माता मेरी माताजी, मम पितामह मेरे दादाजी, मम पितामही मेरी दादीजी, मम अनुजा मेरा छोटा भाई, मम अनुजा मेरी छोटी बहन। इस तरीके से हम लोग बड़े आसान तरीके से इनका अभ्यास कर पाएंगे और जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप आराम से बता पाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, इनके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थों को देखेंगे। देखिए यहां पर है आपके शब्दार्थ, ये देखिएगा शब्दार्थ है आपके, क्या लिखा है यहां पर, मम मेरा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, माई, माई कहते हैं इंग्लिश में, जन कहा पिताजी फादर, माता माँ मदर, पितामह दादा ग्रैंडफादर, पितामही दादी ग्रैंडमदर, अनुजा छोटा भाई एंगर ब्रदर, अनुजा छोटी बहन एंगर सिस्टर, गृहम हाउस मतलब घर। यहाँ पर पाठबोध में लिखा है उच्चई पठत, बाला स्यूता कंदुका वृक्ष बाला नौका उत्पीटिका अनुजा। यहाँ पर फर्स्ट रो में आप देख रहे होंगे सभी पुल्लिंग शब्द हैं, सेकंड रो में देख रहे हैं बाला नौका उत्पीटिका अनुजा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, पुष्पम फलम मित्रम पत्रम ये सभी नपुंसक लिंग शब्द हैं। आगे चल के आपको परीक्षाओं में इन्हीं शब्दों को लिंगानुसार विभाजन करना होगा अर्थात लिंग के अनुसार लिखना होगा। लिंगानुसार विभाजन हम कहते हैं
लिंग के अनुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को लिंगानुसार विभाजन हम कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखत, ये चित्र सूर्य का बना हुआ है। इसमें हम लोगों को क्या, इसके नीचे जो ब्लैंक स्पॉट है उसको भरना है, तो लिखा है अनुजा। अनुजा में आ बनेगा और अंत में जा बनेगा, बीच में नू तो प्रिंट किया हुआ है। आगे लिखा है दूरदर्शनम। दूरदर्शन में क्या है साथियों, देखिए बेटा यहाँ पे है दूर, दा बड़े उ की मात्रा, दू र दूर, द र श न म दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। ये लिखा है गृहम, क्या लिखा है गृहम, क्या लिखा बेटा गृहम। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, पितामह, यहाँ पे विसर्ग और लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, पितामह। ये देखो कुछ वर्ण मीनिंग मैच करने के लिए दिए गए हैं, जिसका भी चित्र है उसी के साथ में इनको मैच करेंगे, मिलाएंगे। तो दूरभाष यंत्रम, आगे क्या लिखा है चंद्रहा, बादलों में चांद दिखाई दे रहा है। कंदुकहा, कंदुका मीन्स गेंद। पत्रम मीन्स पत्र। फलम मीन्स फल। माता मीन्स, ये माता का चित्र है। इस तरीके से हम इनको मैच करेंगे, देखते हैं आगे। यहां पर देखेंगे बच्चों कुछ लिखे गए हैं शब्द आपको समझाने के लिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पदानी पृथक पृथक कृत, यहां पर पितामही अनुजा, पितामह अनुजा, माता जनकः। जैसा कि आपको पाठ में पढ़ाया जा चुका है, यहां पर आप क्या करेंगे, कैसे अलग करेंगे, तो जिनके अंत में आपको विसर्ग लग रही हो उनको अलग करेंगे, वे सब पुल्लिंग शब्द हैं। जिनके अंत में बड़ी की मात्रा हो, बड़ा आ हो और छोटी ई हो सकती है, तो यहाँ पर देख लेंगे कौन बड़ी ई और बड़ा आ वाले शब्द हैं। तो जैसे लिखा है अनुजाह, अनुजा पुल्लिंग शब्द, पितामह पुल्लिंग शब्द, जनकः पुल्लिंग शब्द, पितामही यहाँ पर लिखा दादी स्त्रीलिंग शब्द, अनुजा छोटी बहन स्त्रीलिंग शब्द, माता माता मदर को कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इस तरीके से हम इनको अलग अलग लिख पाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्ण संयोजनम कुरुत, संयोजनम कहते हैं मिलाना, हम लोग वर्णों को मिलाएंगे। तो व आ ल आ बाला, व री क श अ वृक्ष, आ न उ ज आ अनुजा, ग रि ह आ म गृहम, प अ त र अ म पत्रम। इस तरीके से कुछ मिस वर्ण देखिए, व ई यहाँ पे बनाएंगे, ज क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे गलत टिक लगा हुआ है। यहाँ पर देखो छात्रों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे इस पुस्तक में ये मिस प्रिंट है, यहाँ देखिए ये वाला लगाना होगा ज, क्योंकि आप सब जानते हैं जा के मेल, जा और यहाँ के मेल से ही ज्ञा बनता है, जिसको हम लोग विज्ञानम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विज्ञानम। देखिए आगे देखेंगे, लिखा है व ई श ड उ विष्णु, उद्योगः, दासे या का मेल करेंगे तो देव बन जाएगा उद्योगः। यंत्रम य आ अधना त र य और मा, यंत्रम। कृपा क रि प आ कृपा। इस तरीके से हम लोग इन पाठों को आराम से पढ़ेंगे और सीखेंगे और परीक्षाओं में जरूर 100% अंक प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। संस्कृत ज्ञान प्रभा चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमो नमः।